अमित शाह जी के साथ लोकसभा के वक्त पर जो कुछ बातचीत हुई थी और जो 50-50% जो मंत्रिमंडल में शेयर, सत्ता में शेयर, इसी तरह की अगर ये दोनों की बात हुई होगी, अभी मई तो वो वहां नहीं था, लेकिन अगर वो ऐसी बात हुई होगी तो मुझे लगता है कि शिवसेना के प्रस्ताव का विचार बीजेपी ने करना चाहिए। लेकिन अभी ढाई साल के मुख्यमंत्री पद के लिए मुझे लगता नहीं कि बीजेपी तैयार हो जाएगी, लेकिन डिप्टी सीएम का पद जो है वो 5 साल के लिए शिवसेना को दे दिया जा सकता है। अगर आदित्य ठाकरे जी पहली बार मतलब वर्ली से जो चुनाव जीते हैं, ठाकरे फैमिली का पहला आदमी, पहला नौजवान मतलब विधानसभा में आया है, तो उनको आगे अनुभव भी आने के लिए अगर वो डिप्टी सीएम अभी बनते हैं तो आगे उसके बारे में विचार हो सकता है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि शिवसेना ने आदित्य ठाकरे के लिए डिप्टी सीएम के प्रस्ताव का स्वीकार करते हुए देवेंद्र फडणवीस जी को आगे की चाल चलने का मौका तो देना चाहिए, मुख्यमंत्री बनने का मौका तो देना चाहिए।